वेलकम बैक। इस टॉपिक में हम लोग साइक्लिक प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे। साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग को डेल्टा यू डब्ल्यू और क्यू पता करना होगा। तो देखो, साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो साइक्लिक प्रोसेस में कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, कोई भी एंडिंग पॉइंट हो सकता है। तो लेट्स इनिशियली मेरा सिस्टम यहाँ था, दिस इज माय इनिशियल मैंने पोजीशन को ए बोला। फिर मेरा सिस्टम यहां से होते हुए बी में पहुंचा, इसको मैंने बी बोला। तो मेरा ए से गया बी पहुंचा, फिर बी से ए में वापस आया। तो सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम पहले ए से बी गया, फिर बी से ए आया। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग साइक्लिक बोलते हैं। अब यहां पर सर्कुलर आपको मिल रहा है ग्राफ, हो सकता ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया। तो ये ए बी सी डी हो जाएगा। आपका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस वो सारे प्रोसेस जहां इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही होता है। सिस्टम जहां से स्टार्ट करता है वापस वहीं पे चला आता है। तो यहां से स्टार्ट करेगा, यहां पहुंचेगा, फिर वापस आएगा, तो बोलेंगे एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। तो साइक्लिक प्रोसेस में एक चीज याद रखना होता है, इनिशियल कंडीशन या इनिशियल स्टेट, इनिशियल जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर होगा वही आपका फाइनल होगा। इनिशियल एंड फाइनल आर सेम, इनिशियल एंड फाइनल आर सेम। तो इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर। तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, वी इनिशियल इज इक्वल टू वी फाइनल एंड टी इनिशियल इज इक्वल टू टी फाइनल, ये होता है। अब सबसे पहला हम लोग डेल्टा यू निकालेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है पर मोल के लिए एफ बाई टू डिग्री ऑफ फ्रीडम आर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सिंस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बोथ आर इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग को याद रखना होता है, डेल्टा यू साइक्लिक इज ऑलवेज जीरो। क्यों, यू जो होता है ना ये स्टेट फंक्शन होता है, ये होता है स्टेट फंक्शन। हम लोग को पता है स्टेट फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑनली अपॉन स्टेट ऑफ सिस्टम। तो चेंज क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। सिंस फाइनल एंड इनिशियल स्टेट आर सेम, तो इसलिए ऑल स्टेट फंक्शन, चेंज इन एनी स्टेट फंक्शन इन साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। तो मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होगा। और कौन है, एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन। तो याद रहेगा डेल्टा यू साइक्लिक इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा एच साइक्लिक, एंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन है, वो भी जीरो। फिर एंट्रोपी स्टेट फंक्शन, वो भी जीरो। गिब्स फ्री एनर्जी, वो भी साइक्लिक है, तो वो भी जीरो हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस में और चेंज इन एनी स्टेट फंक्शन, किसी भी स्टेट फंक्शन में चेंज जो होगा साइक्लिक में, वो हमेशा जीरो आता है। तो डेल्टा यू हम लोग को मालूम चल गया। अब बात रहा W का, तो W क्या होता है, W होता है वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी डी। ये W क्या है, वर्क डन अपॉन सिस्टम, ठीक है, ये केमिस्ट्री वाला W है। तो वर्क डन अपॉन सिस्टम अभी निकालेंगे कैसे। सो देखो, वर्क डन को एरिया से भी निकाल सकते हैं। कैसे, वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व, ये होता है ना वर्क डन। सो देखो, हमारा सिस्टम जो है पहले ए से बी गया, तो ए से बी जाने में ये वाला एरिया का वर्क डन हुआ ना, ये वाला एरिया का वर्क डन हुआ। पर जब बी से ए वापस आया तो कितना वर्क डन है, बी से जब ए वापस आ रहा है तो ये वाला एरिया वर्क डन, बी से ये वाला एरिया वर्क डन।
तो ये जो W है ये पॉजिटिव W, ये जो W है केमिस्ट्री के लिए A से लेके B का जो W है वो नेगेटिव है और B से लेके A का W जो है वो पॉजिटिव है। देखो इधर से इधर गया तो दिस एरिया ये हो जाएगा नेगेटिव होगा, इधर से इधर आया तो ये बड़ा वाला एरिया हुआ ना, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। तो नेट एरिया कितना है, नेट एरिया ये कंप्लीट एरिया और ये एरिया का सब्ट्रैक्शन करना होगा आपको तो आ जाएगा। तो याद रहे W साइक्लिक विल बी एरिया विद इन कर्व, एरिया जो कर्व के अंदर आया उसका एरिया W साइक्लिक आएगा। तो रेक्टेंगुलर प्रोसेस होगा तो ये जो एरिया है ये वर्क डन हो जाएगा, पेंटागनल होगा तो ये एरिया वर्क डन हो जाएगा। तो एरिया विद इन कर्व, ठीक है। अब देखो हम लोग का पता है वर्क डन जो होता है पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, बट एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो एरिया कभी नेगेटिव थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है एरिया ऑफ अ फुटबॉल फील्ड इज माइनस 5 मीटर स्क्वायर, एरिया तो हमेशा मीटर स्क्वायर में पॉजिटिव ही आएगा ना। तो W साइक्लिक का मैग्नीट्यूड तो आपको मिल जाएगा, ये क्या मिलेगा W साइक्लिक में जो एरिया निकालेंगे ना ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क देगा। साइन कैसे पता करते हैं, तो अब याद रखना है केमिस्ट्री के लिए ये कौन सा था, क्लॉक का उल्टा घूम रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव साइन लगाएंगे और क्लॉकवाइज जब आपका मूव करेगा तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो सिंपल है, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना है, कर्व के अंदर का एरिया निकाल लीजिए और देखिए किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो उस एरिया के सामने पॉजिटिव लगा दीजिए और क्लॉकवाइज अगर है तो वहां हम लोग नेगेटिव लगा देंगे, सिंपल होता है। तो यहां पर हम लोग को एरिया कैसे निकालना है, एरिया देखो सर्कल दिया हुआ है ना, ये देखो दिया हुआ है डायमीटर कितना है, ये सर्कल का डायमीटर 20 है, इधर से भी सर्कल का डायमीटर 20 है। तो W क्या हो जाएगा, या इस केस में W हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज में क्या बोले पॉजिटिव लगाने को साइन, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर। अब रेडियस निकालना है, रेडियस कितना हो जाएगा 10 आ रहा है रेडियस, बट ये देखो किलो पास्कल में और ये लीटर में है, अब किलो पास्कल और लीटर को मल्टीप्लाई नहीं करते, या तो दोनों को आप मीटर क्यूब एसआई में ले आइए, तो ये वॉल्यूम लीटर में है इसको हम लोग एसआई में कन्वर्ट करेंगे, तो पाई, तो किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करते हैं, तो 10 × 1000 पास्कल मल्टीप्लाइड वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, उस 10 लीटर को मैं 1000 से डिवाइड करके मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लूंगा, तो डिवाइडेड बाय 10^-3 कितना ये आ जाएगा आपका मीटर क्यूब। तो ये मेरे को वर्क डन किस में देगा, जूल में देगा, तो ये आएगा, ये चला गया तो 100 पाई आएगा, तो वर्क डन इज 100 पाई। अब 3.14 से मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर निकाल ही सकते हैं, तो आ जाएगा 3414 आ जाएगा, ठीक है, उसमें भी आप छोड़ सकते हैं। अब बात रह गया क्या, W तो मालूम चल गया, अब बात क्या रह गया, क्यू का बात रह गया, तो क्यू साइक्लिक क्या होगा, क्यू साइक्लिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, डेल्टा यू माइनस वर्क डन, तो यहाँ वर्क डन मेरा कितना है 100 पाई है, तो क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू तो निकाले थे साइक्लिक के लिए, डेल्टा यू कितना बताया था 0 माइनस 100 पाई, तो ये हमारा क्यू साइक्लिक भी आ गया। तो साइक्लिक प्रोसेस में कुछ नहीं है, डेल्टा यू हमेशा 0 चलना है, आधा काम तो हो गया। डब्लू निकालना है, डब्लू कैसे निकालेंगे, एरिया से निकालेंगे, कर्व के अंदर का एरिया को W बोल देंगे। साइन कैसे पता करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव वर्क डन इन केमिस्ट्री और क्लॉकवाइज इज नेगेटिव वर्क डन इन केमिस्ट्री। फिर क्यू साइक्लिक इक्वल टू फर्स्ट लॉ वाला यूज करेंगे, डेल्टा यू तो 0 होता है तो W पुट कर देना आंसर आ जाएगा।